उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेस वे पर एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया। आगरा के थाना एतमादपुर क्षेत्र के पास यमुना एक्सप्रेस वे पर सोमवार तड़के एक बड़े सड़क हादसे में 29 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा थाना एतमादपुर क्षेत्र के झरना नाले के पास हुआ, जब अवध डिपो की जनरथ बस एक्सप्रेस वे की रेलिंग तोड़कर 50 फीट गहरे नाले में जा गिरी। हादसे के वक्त बस में करीब 44 लोग सवार थे। कहा जा रहा है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। खाई में पानी भरने की वजह से राहत बचाव काम में मुश्किलें आ रही हैं। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि लखनऊ से दिल्ली की तरफ जा रही बस यमुना एक्सप्रेसवे पर रेलिंग तोड़कर नाले में जा गिरी। इस हादसे में 17 लोगों को निकाला जा चुका है और घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही इस भीषण सड़क हादसे का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत बचाव में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घायलों को भी समुचित इलाज मुहैया करवाया जाएगा। ये गाड़ी लखनऊ से निकल करके आनंद विहार जो दिल्ली में जा रहे थे, उस समय ये मुझे लगता है कि गाड़ी स्पीड में भी था और ड्राइवर नींद में आ करके गाड़ी को मोड़ दिया गया है और यहाँ एतमादपुर के पास जर्रा नाले में गिर चुका है। और इससे बहुत बड़ा दुखद घटना हुई है कि करीब 29 डेथ हुई है अभी तक। संवाद 365 के लिए उत्तर प्रदेश से लवी खान की रिपोर्ट।